हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटहल की सब्ज़ी मसालेदार, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप कटहल तो ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन आज आप मेरी तरह से बनाइएगा जैसे मैं बनाती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कटहल। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आप तक और भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुँचा सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, जिसे बनाने के लिए हमने ये लिया आधा किलो कटहल। इसको हमने काट के छील लिया है। ये देखिए, हमने मसाले लिए हैं 2 चम्मच पिसी धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च, ये मैंने मेथी दाना रखा है, 2 तेज़पत्ता, 1 पोटी लहसुन, ये मैंने लिए 2 बड़ी पोटी प्याज की। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए, अब हम इसे उबालेंगे। इसे सिर्फ थोड़ा सा 1 सीटी में ही इसे निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, जिसमें दूध होता है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो नुकसान करता है जो दूध होता है इसमें का। और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, जूसी हो जाएंगे, इसीलिए हम सिर्फ 1 सीटी में ही इसे बंद कर देंगे। कलर के लिए हम डालेंगे इसमें हल्दी, 1/2 चम्मच नमक हल्का सा, क्योंकि मसाले में भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये सिर्फ 1 सीटी होगी और हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, इसमें डालेंगे लहसुन। अदरक का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि कटहल जो होता है बहुत गर्म होता है, तो मैं कटहल में अदरक नहीं डालूँगी। ये प्याज, इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल उबल गया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे इस पानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने तेल ले लिया, उसमें इसे फ्राई कर लेंगे तेज करके, जो कटहल है पहले। तेज करके ही हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, और ये मेथी दाना और तेज पत्ता हमने इसमें डाला। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया था बारीक, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। हमने लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, जीरा का पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ये हमने नमक लिया है, नमक हम इतना लेंगे क्योंकि हमने बॉईल करने में भी डाला था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब बस हमें इसे ढक करके धीमी आंच में मसाला अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है। अब हम इसमें कटहल डाल देंगे। और सबसे मेन है, अब इसको मीडियम आंच पे हमें भूनना। इसको हम जितना मसालों के साथ भूनेंगे, ये उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट इसे भूनना है।
सब्जी रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल की सब्जी रेडी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें और वीडियो को शेयर करें।